yesterday from my business tour in Malaysia, and I hope that you liked the movie reviews given by Ashish and Vaibhav, my friends, in the meantime. Well, today is a big day for us as we have one of the most versatile actors in Bollywood and in theatres, Zakir Hussain sir, with us. Sir, wishing you a very happy Republic Day. Same to you, same to you. So, sir, kaise aap? Acha hu. Okay, sir, your journey from National School of Drama in Delhi to Bollywood in Mumbai. Yeah. What would you like to say on this entire journey? बहुत अच्छी थी, beautiful journey. उसमें खूब मजा आया, खूब उतार चढ़ाव देखे, खूब अच्छे बुरे सब तरह के काम किए, theatre भी किया, television भी किया, filmें भी की. तो जो है वो जर्नी मतलब अच्छी होती है, खूबसूरत, बहुत बढ़िया. अच्छा सर, आपने बहुत सारे रोल्स प्ले किए, राइट? फ्रॉम द रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर इन योर फर्स्ट बॉलीवुड मूवी टू रिसेंटली आपने डॉन का रोल प्ले किया, आपका कौन सा रोल फेवरेट है? ये दरअसल क्या होता है, मैं आज तक ये सोच नहीं पाया कि कौन सा फेवरेट है, क्योंकि मुझे हर तरह के रोल करने में मज़ा आता है, कॉमेडी करने में मज़ा आता है और विलेन करने में भी उतना ही मज़ा आता है. तो वो कैरेक्टर के ऊपर है थोड़ा, पर मुझे आता है जैसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग अगर डायरेक्टर है और चाहता है कि नया कैरेक्टर कुछ बने, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है. अच्छा. कि क्या इसमें नया कर जो कैरेक्टर, इट शुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग. चैलेंजिंग, हाँ. तो चैलेंजिंग कैरेक्टर को बनाने में और उसको पोर्ट्रे करने में ज़्यादा मज़ा आता है. एंड व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू एक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? वाज इट व्हेन यू वेंट टू दिस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? बिफोर दैट, बिफोर दैट, बिफोर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आई वॉज डूइंग थिएटर इन दिल्ली ओनली, श्रीराम रिपेट्री, श्रीराम एक्टिंग कोर्स, एमेच्योर. सो देयर वाज टाइम 82, लाइक 87, 87 व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन, एंड आई थॉट कि व्हाट शुड डू इन लाइफ. ओके, देन आई थॉट कि इसको क्यों नहीं प्रोफेशन बनाया जाए. एक्टिंग आपका पहले से ही पैशन था, यू वर ऑलवेज इंट्रिग्ड बाय एक्टिंग. ड्रामा स्कूल आने से पहले मैं 8 साल से मैं थिएटर करता था. ओह दैट्स ग्रेट. सो देन आई थॉट कि अब अगर इसको प्रोफेशन बनाना है तो इट शुड बी, यू नो, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए. तो फिर मैंने वो सारी ट्रेनिंग्स की. ओके सर, एंड यू हैव एक्टेड विद सो मेनी एक्टर्स इन ऑल द मूवीज, वर्किंग विद व्हिच एक्टर हैज बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू? एक्चुअली कई बार उस चीज़ों को डिपेंड करता है, जैसे सरकार में विद बच्चन साहब, तो बच्चन साहब के साथ काम करना उस वक्त ऐसा था कि कुछ सुनाई नहीं, हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो कैसा लगा करके वो तब नहीं समझ में आया. लेकिन बाद में जब मैंने युद्ध किया उनके साथ, तो वो खूब मज़ा आया उनके साथ काम करने में. सर, यू हैव वर्क्ड विद सो मेनी डिफरेंट डायरेक्टर्स, व्हिच वन हैज बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस? एक्चुअली क्या है ना, वो हर किसी का अपना एक तरीका है, और वही जो काम करने का उनका अपना तरीका है, वही आपको डिफरेंस ला देता है. अब जैसे रामू का अपना अलग तरीका है काम करने का, तिग्मांशु धूलिया का अलग है, या क्या कहते हैं अपना राजकुमार संतोषी हैं उनका अलग है, अभी मैंने फिल्म की मधुर भंडारकर के साथ उनका अलग है, या रोहित शेट्टी का एकदम अलग तरीका है, एकदम अलग तरीका है. तो इसलिए ये कहना कि कौन सा फेवरेट है, आई फाउंड माई सेल्फ लाइक आई एम वेरी मच डायरेक्टर्स एक्टर, सो मैं उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Okay. मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अच्छा असिस्टेंट क्यों बता रहा है, डायरेक्टर क्यों नहीं बता रहा, कहीं पे डायरेक्टर बताता है, कहीं पे असिस्टेंट. तो हर तरीके में घुस के काम करना चाहिए. अगर मैं ही अपना तरीका बना लूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे ही, मुझे समझ नहीं आएगा, मैं अडॉप्ट नहीं कर पाऊँगा. मतलब जैसा डायरेक्टर का डिमांड है कि ओके आई वांट दिस कैरेक्टर टू बी प्लेड लाइक दिस, आप उसी हिसाब से, हाँ, पूरे कैरेक्टर के अंदर. मेरा विजन थोड़ी है जी, वो मेरा विजन नहीं है, वो तो डायरेक्टर का विजन है. अब मैं उसको अपने हिसाब से तो करूँगा ही, लेकिन डायरेक्टर को भी तो लगना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर जिंदा हुआ है. अगर मैं उसको अपने ही हिसाब से कर दूंगा तो वो स्क्रिप्ट के साथ जेल नहीं होगा, या तो और कैरेक्टर्स के साथ जेल नहीं होगा. उसको जो उसका विजन देख रहा है डायरेक्टर, वो तो डायरेक्टर ही देख रहा है ना. एक्टर का तो काम 90% ये है कि वो उस कैरेक्टर को जिंदा करे. अच्छा सर, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द
especially those aspiring actors coming from small cities, since you have come from Meerut, and aapka kya message hai un youth ke liye jo actors banna cha rahe especially? Dekho, mera message hamesha yehi rehta hai ki ek to sabr rakhna chahiye aur mehnat karni chahiye aur apne aap ko train karna chahiye, chahe kisi bhi level pe ho, chahe aap किसी स्कूल में जाके ट्रेन करें, चाहे आप प्रैक्टिकली वैसे अपने आप को डेली लाइफ में ट्रेन करें, सोचने से नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बात है। जब आपको रोना है तो रोना ही पड़ेगा, उसमें एक्टिंग करने की ज़रूरत है। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हिसाब से अपने आप को तैयारी करनी चाहिए। फिर उसकी अलग चीज़ें हैं, आप 15 दिन का कोई वर्कशॉप कर लेते हैं, 1 महीने का कर लेते हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है। जो वर्कशॉप छोटे मोटे से नहीं, आप पूरा एक प्रॉपर एजुकेशन ले लीजिए, कॉलेज वो लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि डॉक्टर के घर में पैदा होने से आदमी डॉक्टर नहीं हो जाता, लेकिन एक्टर के घर में पैदा होने से वो जन्म से एक्टर होता है। हाँ, एक मतलब एक तरह का ब्रांडिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। इनके बेटे तो इनको आई डोंट बिलीव इन दैट कि एक्टिंग तो मेरे खून में है, तो वो बकवास बात है। तो इंजीनियरिंग भी खून में होनी चाहिए फिर। हाँ, हर एक चीज़ होने है, डॉक्टर भी स्कूल में होना चाहिए। सो आप एज एन एक्टर अपने आप को जब ट्रेन नहीं करते हैं तो इसीलिए भीड़ हो जाती है, और आपको लगता है हम जैसे कि ठीक है भाई, थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप ड्रामा स्कूल जाओ या कहीं और जाओ, और भी ऐसे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग की है, चाहे इंस्टीट्यूट में ना की हो, वो कहीं ना कहीं सीखे हैं, प्रैक्टिकली जाके उन्होंने प्लेस किए हैं या कुछ किया है, अपने आप को ट्रेन किया है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप, हाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं सबको मौका नहीं मिल पाता है, या जैसे इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है तो सबको मौका नहीं मिल पाता है, वो कोई और करते हैं, कोई छोटा कोर्स करता है, कोई बड़ा करता है। लेकिन जहाँ तक आर्ट की बात है, उससे आपको ट्रेनिंग में हेल्प मिल सकती है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक्टर नहीं बना सकता, ये तो बनना तो आपको पड़ता है जी। तो इनिशिएटिव तो मुझे हाँ लेना है। आर्ट की ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ है। बाकी ट्रेनिंग में तो है कि अच्छा फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ फेल नहीं होता कोई भी। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है कि वो आपको जगह देता है, मौका देता है, सामान देता है, करना आपको पड़ेगा, बता भी देंगे थोड़ा बहुत कि कैसे करना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने जो है दवाइयों के नाम याद कर लिए तो आप डॉक्टर बन गए। नो, इट्स नॉट दैट। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। आर्ट के अंदर आपको अपना ही इवॉल्व करनी होती है चीज़ें। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बोला कि डायरेक्टर का क्या विजन है, उस विजन के हिसाब से अपने आपको कैरेक्टर के अंदर ढालना पड़ता है। करेक्ट। अच्छा सर, आपका मोटो क्या रहा है पूरे लाइफ में? कुछ भी नहीं, एक्टिंग ही रहा है मेरा तो, बाकी कुछ नहीं रहा। दिस इज माई लाइफ एंड जो भी करना है मुझे सिर्फ इसी में करना है, इसीलिए आपका एक फोकस है एंड दैट इज व्हाई यू आर एक्सेलिंग इन दैट। हाँ, मैं इसके अलावा इधर उधर में कहीं भागता नहीं हूँ कि डायरेक्टर भी बन जाऊँ और ये भी करूँ। मैं करता सब कुछ हूँ, लेकिन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई एक्टिंग। मतलब आई कैन डिज़ाइन सेट्स, आई कैन डिज़ाइन प्रॉपर्टीज, आई कैन मेक एनीथिंग, बट आई डोंट गो इन टू दैट जोन। उसके लिए लोग हैं प्रॉपरली एक उस लेवल में। तो सर, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कि आपने भी कभी सोचा है कि कोई मूवी को डायरेक्ट करना है? मैं नहीं, मैं सजेशन दे सकता हूँ। ओके, आई एम नॉट डायरेक्टर, आई कांट बी अ डायरेक्टर। ये मेरे लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि मैं जो है अगर सजेशन देते थे तो सोचूं अरे मैं भी एक्टर। मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं यार तुम क्यों नहीं डायरेक्ट करते? अरे मैंने कहा मेरा एरिया नहीं है भाई। वो डिफरेंट जीव होते हैं डायरेक्टर जो होते हैं, उनको अलग है, उनका काम है वो। सजेशन काम है, उसको यहाँ से ले ले, थोड़ा ऐसे कर ले, प्रॉपर्टी ऐसे, ये सजेशन से थोड़ी डायरेक्टर बनता है। अच्छा सर, आपकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे कभी भी लाइफ में, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इट एज अ लास्ट लाइन? शो मस्ट गो ऑन, ये बड़ी फेमस लाइन है। जिंदगी आती है, जिंदगी चली जाती है, लेकिन जो शो है वो चलता रहता है। मूविंग ऑन होना चाहिए, मतलब रुकना कुछ नहीं। okay. कुछ नहीं रुके, शो चलता रहे, ये शो ही है। दूसरी तरह से देखें आप, पृथ्वी जो है धरती पे, शो ही तो चल रहा है। एक्टर्स आते हैं और एग्जिट कर जाते हैं, तो इट हैज़ टू बी ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
तो शो चलते रहेंगे। That's a really great one. So thank you for taking out your valuable time from such a busy schedule for us. So guys, this was one of the most talented actors in Bollywood and theaters in today's time, Zakir Hussain sir, with us from Filmy Fanatic. Thank you. Hey, this is Zakir Hussain, team of Filmy Fanatic. Please like the video, share and subscribe the channel Filmy Fanatic.